हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम आरपीएमसी के बारे में ही बात करेंगे। आरपीएमसी की जो काउंसलिंग फीस है वो कितने लगने वाली है, आरपीएमसी काउंसलिंग कब तक चल रही है, कौन कौन से कोर्सेज मेरे अकॉर्डिंग मेरे को बेस्ट लगते हैं, कौन से कोर्सेज को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए और कौन से को नहीं देनी चाहिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कॉलेज फीस क्या रहेगी, प्राइवेट की और गवर्नमेंट की क्या रहेगी, सारी डिटेल मैं आपको इसी एक ही वीडियो में आपको एक साथ देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरपीएमसी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किए थे, आरपीएमसी की जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। आरपीएमसी ने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी, 23 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है और कब तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है, 23 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, नोटिफिकेशन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और 31 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। हो सकता है एक दो दिन एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आप एक्सटेंड के भरोसे ना रहे और जिसको काउंसलिंग करवानी है वो अभी से काउंसलिंग करवा ले, क्योंकि लास्ट में जाकर आपकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाएगी और उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वेबसाइट में स्ट्राइक आ जाएगी तो थोड़े से प्रॉब्लम करेगी आपके लिए। तो आप अभी काउंसलिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग लास्ट डेट का आप वेट मत करिए। आज हो गई है 25 जुलाई, जो 25 जुलाई अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसके लिए बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लाइव सेशन लेके आपको बताने वाले हैं। तो आप जरूर हमारे साथ बने रहना, लाइव सेशन जब भी होगा आज सब अटेंड करना लाइव सेशन को, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो अपन सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो नोटिफिकेशन 22 को आसपास आया था उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। 22 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी कब से, 23 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 31 जुलाई तक आपको काउंसलिंग का पोर्टल है वो जो खोला जाएगा, आपके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे 3 फरवरी से 23 अप्रैल तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे, किसके आरपीएमसी में एडमिशन के लिए 23 अप्रैल तक फॉर्म भरे गए थे। लगभग 2 महीने से ज़्यादा, 2 से 3 महीने तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चले थे इसके में आरपीएमसी के एडमिशन के लिए। जो आपकी काउंसलिंग चल रही है ओनली 7 डेज के लिए काउंसलिंग चली, इसके बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट जब भी आएगा आपको मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे रिजल्ट देखना है आपको, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और जिसने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है वो काउंसलिंग करवाना स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स के बारे में जान लेना, अभी मैं कोर्स के बारे में बताऊंगा कौन से 4 कोर्सेज आपको सबसे प्रायोरिटी 4 कोर्सेज को देनी है या नहीं देनी है। और इसमें एक बार आप चॉइस लॉक कर देते हो पेमेंट करके, तो दोबारा आप चॉइस लॉक होने के बाद कोर्सेज को ओपन नहीं कर सकते। कोई से भी कोर्सेज हो चॉइस लॉक होने के बाद वो ओपन नहीं होगी, काउंसलिंग में कोई संशोधन नहीं होगा, उसी को सही मानकर आपकी काउंसलिंग करवा ली जाएगी। साफ साफ बोर्ड ने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में नोटिस जारी किया हुआ है। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से कोर्सेज है जिन कोर्सेज के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हो। टोटल वैसे तो 12 तरह के कोर्सेज है, आप देख सकते हो एक बार कोर्सेज की, ब्लड डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ECG, EEG, इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी और ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी और रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें सबसे बेटर कौन कौन से, मैं 4 कोर्सेज बताने वाला हूँ, जो 4 कोर्सेज इस टाइम जो जरूरत पड़ती है ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पर। तो सबसे मेन है इसमें DRT में वैकेंसी भी हर बार अच्छी आती है। DRT यानी कि डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स जो भी जाता है वो इसी को दे, सेकेंड प्रायोरिटी देना चाहे तो DMLT, सेकेंड प्रायोरिटी DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, सेकेंड प्रायोरिटी इसे देनी चाहिए। और जो आपकी थर्ड प्रायोरिटी देनी है आपको ECG को, डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, और फोर्थ प्रायोरिटी आपको देनी है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ECG को आप सेकंड भी दे सकते हो अगर आपको लेना है तो। ECG भी बहुत अच्छा कोर्स, DMLT से भी अच्छा कोर्स है, DMLT में भीड़ है लेकिन ECG में इतनी भीड़ अभी नहीं है। तो आप इन 4 कोर्सेज को प्रायोरिटी दे सकते हो, बाकी इसके अलावा आपकी इच्छा, आप कौन से को प्रायोरिटी देते हो कौन से को नहीं देते हो ये आपकी खुद की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करें काउंसलिंग फीस कितने लगने वाली है, तो आपकी काउंसलिंग फीस मैंने वैसे बताया था कि 10,000 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस लगने वाली है, और पर इसके बारे में और बता देता हूँ आपको। 10,000 रुपये आपकी जो काउंसलिंग फीस लगेगी, उस काउंसलिंग फीस में आपको क्या करना है, काउंसलिंग फीस क्या 10,000 रुपये कॉलेज में फिर अलग से जमा करवाने पड़ेंगे, कॉलेज में आपकी जो फीस जमा होगी उसमें इंक्लूड कर ले जाएंगे 10,000 रुपये को। यदि आपको कोई कॉलेज मिलता है और आप काउंसलिंग कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपको 3,000 रुपये कट करके डिडक्ट करके वापस आपको 7,000 रुपये उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो फॉर्म भरते टाइम आपने अकाउंट नंबर और अकाउंट डिटेल दी थी।
बाकी अगर आप कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो पूरे के पूरे 10,000 रुपये आपको वो रिफंड हो जाएंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज एक ही कोर्सेज के लिए अप्लाई करता है और उसको कोई उसको उसमें से कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, उस कोर्सेज के कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो उसके पूरे 10,000 जो भी हैं वो वापस पूरे रिफंड हो जाएंगे। ये सिक्योरिटी के तौर पर आपसे 10,000 रुपये काउंसलिंग के टाइम पर जमा करवाए जाएंगे। अभी कब जमा होंगे, सबसे पहले आपको कोर्स चूज करना है, कोर्स चूज करने के बाद आपको कॉलेज चूज करना है, कॉलेज चूज करने के बाद जब फाइनल लॉक एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा तब आपको पेमेंट करके फाइनल लॉक एंड सबमिट कर देना है, उसी के बाद आप काउंसलिंग करवा पाओगे। ठीक है, प्रवेश काउंसलिंग के लिए आपको कितने देने हैं, 10,000 रुपये आपको देने होते हैं, और 10,000 रुपये देने अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो जो फीस रहेगी उसमें 10,000 रुपये कम आपके लेकर आप कॉलेज में जमा हो जाएंगे। देखते हैं नीचे और दे रखा है रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्या लेके जाना है। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको जो 10,000 रुपये दिए थे उसकी जो रसीद आती है वो रसीद आपको साथ में लेके जानी है। ठीक है, 10,000 रुपये की रसीद जो बनेगी आपको जो स्क्रीनशॉट या पेंट निकाल के देंगे जो पेमेंट करता है उसकी रसीद आपके साथ होना जरूरी है, तब आपके 10,000 रुपये कम होंगे और अब तभी आपको वैल्यू माना जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि काउंसिल द्वारा नामांकन हेतु दस्तावेज जांच किए जाने के समय यह जानकारी में आता है कि महाविद्यालय संस्थान द्वारा दस्तावेज पूर्ण नहीं होने या दस्तावेज नियमानुसार नहीं होने के उपरांत भी अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय संस्थान के पर ऐसे प्रत्येक प्रकरण के लिए 10,000 रुपये की शासित राशि आरोपित की जाएगी। अभ्यर्थी के अपात्र होने की स्थिति में प्रवेश रद्द भी किया जा सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने पर भी यदि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं और जमा और आप डॉक्यूमेंट्स सही से जमा नहीं करवा पाते हो, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है। 10th की मार्कशीट और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं होते और कहीं आपके जमा है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, और जो कॉलेज हैं जो महाविद्यालय हैं आपका ये एडमिशन लेता है उनके ऊपर भी प्रकरण जारी किया जा सकता है, उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है और उनको 10,000 रुपये का चालान भरना भी पड़ सकता है, किसको, कॉलेज को, जो ये बिना डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन ले लेगा उनको। ठीक है, तो ये जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं कॉलेज फीस क्या रहने वाली है, तो कॉलेज फीस के बारे में अपन जानकारी देते हैं। तो कॉलेज फीस सभी को मैं बता चुका था वैसे कि 35,000 रुपये आपकी कॉलेज फीस रहेगी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले थोड़ा सा डोनेशन आपसे लेंगे। प्राइवेट कॉलेज वाले डोनेशन ले सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले डोनेशन नहीं लेंगे। टोटल 6 गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान में जिनमें टोटल 475 सीट्स है। अब 475 सीट्स है, स्टूडेंट्स है 10,800 प्लस स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो किसकी किस्मत अच्छी है और किसको कॉलेज मिलता है वो बाद में ही जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन 475 सीट ही है ओनली राजस्थान में। इसके अलावा बाकी प्राइवेट सीट से वैसे कॉलेज है टोटल 228 के आसपास आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिला के 228 कॉलेज आरपीएमसी ने रखे हुए हैं। आरपीएमसी से एफिलेप्टेड 228 कॉलेज आरपीएमसी ने खुद ने अपने लिस्ट जारी करके उसमें बताया कि टोटल मेरे पास 228 से ज्यादा कॉलेज है। तो आप कोई भी अगर प्राइवेट से भी लोगे, प्राइवेट से भी एडमिशन लेते हो या गवर्नमेंट से लेते हो तब भी एग्जाम तो सभी का सेम टाइम पर होने वाला है, सेम बैच का एग्जाम सेम टाइम पर ही होगा, अलग अलग टाइम पर आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आप चाहे आरपीएम चाहे प्राइवेट में लो चाहे गवर्नमेंट में लो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वो 2 साल में होगा तो 2 साल में होगा फर्स्ट ईयर का एग्जाम, 3 साल में होगा 3 साल में होगा, लेकिन फिक्स अलग अलग टाइम पर एग्जाम नहीं होने वाला। आरपीएमसी सेम टाइम पर सबका एग्जाम करवाती है। तो ये छोटा सा अपडेट या बड़ा सा अपडेट जो भी आपको लगता है कैसा है कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो अब सब्सक्राइब कर लेना, हर अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।